विदिशा जिले में बिजली विभाग के घुसखोर अफसर विकास शर्मा को लोकायुक्त की भोपाल टीम ने 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एई विकास शर्मा ने ठेकेदार अभयराज पचौरी से बिल पास करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। विदिशा बिजली विभाग के ई के पद पर पदस्थ विकास शर्मा को आज भोपाल लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। ई विकास शर्मा बिजली विभाग के ठेकेदार अभयराज पचौरी से बिल पास करने की एवज में हर बार 5% के हिसाब से रिश्वत की मांग करता था और पैसा एडवांस लेने के बाद ही बिल पास करता था। ठेकेदार ने पहले भी लगभग 2 लाख रुपये बिल पास करने के एवज में दे चुका था। इस बार भी लगभग 1,14,000 का बिल पास होना था, जिसके बदले विकास शर्मा ने 5,000 रुपये की मांग की, जिसकी शिकायत ठेकेदार ने लोकायुक्त पुलिस से की और आज लोकायुक्त की डीएसपी साधना सिंह ने नेतृत्व में टीम ने योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी करते हुए रिश्वतखोर अफसर को रंगे हाथों धर दबोचा, जिस पर लोकायुक्त पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। मैडम एमपी, क्या नाम है आपका? साधना सिंह, डीएसपी लोकायुक्त भोपाल। मैडम एमपी में कार्रवाई की गई है, लोकायुक्त क्या गिरफ्तार करा और कितने पैसे लिए? पचौरी इलेक्ट्रिकल्स के अभयराज पचौरी हैं, इन्होंने शिकायत करी थी कि इनके मेंटेनेंस के बिल के भुगतान के लिए यही अजय शर्मा द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। उसका सत्यापन हमने कराया था, सत्यापन पर वो सिद्ध पाया गया। आज वो शिकायतकर्ता अभयराज से 5,000 रुपये की रिश्वत की राशि लेकर पकड़े गए। अभयराज पचौरी, क्या है आप? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर विदिशा। अभी जो यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, क्या पूरा प्रकरण? हाँ, मेरे द्वारा शिकायत की हुई थी। मेरे जो बिल थे, इससे भी पहले भी बिल दिए हुए हैं, जो बिल पास नहीं करते, पहले एडवांस पैसों की मांग करते हैं। कौन? विकास शर्मा जी हैं। क्या है? यही हैं, असिस्टेंट इंजीनियर। कितने पैसों की मांग करी थी आप? पहले 2 लाख की करी थी और अभी 5,000 रुपए की करी थी। तो आपने इसकी शिकायत की थी लोकायुक्त? हाँ, लोकायुक्त में शिकायत करी है। तो कितने दे चुके थे? 2 लाख रुपए दे चुका हूँ पहले। ठीक है, तो अभी क्या पकड़ा गया वो? जी, अभी हाथ उनके पास पैसे निकले हुए हैं जो उनने लिए थे, टीम ने देखा है और उनके पास मिले हुए हैं पैसे, उसकी जाँच चल रही है अभी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।